नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई से इंडिया के लिए हर रोज ही बात करते हैं, इंडिया से दुबई के लिए। जी हाँ, आज तक हमने बात करी दुबई से इंडिया के लिए, यूएई की भी आप मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली शब्द यूएई दुबई आ जाता है भाई, क्या कर सकते हैं, फेमस ही दुबई है ज़्यादा। हम आज बात करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुछ 3 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई देखिए, हम बात करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड। आपको पता भाई, इंडिया में कोरोना विस्फोट समझ रहे हैं, आपको पिछले 24 घंटे में 25,000 कोरोना केस। जी हाँ साथियों, तो भाई मामूली बात आप नहीं मान सकते। और मैंने आपको एक पहले भी 2 वीडियो में बताया था कि जुलाई में 15 लाख के करीब आंकड़ा जा सकता है, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से 12 लाख आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब इतना हो सकता है। और अगर 15 लाख के करीब जाता है तो मौत कितनी होंगी भाई, 50,000 के करीब, तो नॉर्मल सी बात है। हालांकि रिकवरी रेट इंडिया में बहुत अच्छा है, 63%, यानी 63% रिकवरी हो रहा है, तो ये अपने लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और भाई कोरोना बढ़ेगा तो ये मान लीजिए आपके लिए मुसीबत बढ़ेगी, विदेश से जाने वाले हो चाहे आने वाले हो, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। अदर कंट्रीज आपको परमिशन ही नहीं देंगी, आप बोलते हो इंडिया फ्लाइट चालू नहीं करेगा, फ्लाइट घंटा करेगा चालू इंडिया, इंडिया को घुसने कौन देगा अपनी कंट्रीज में, लोग बैन लगा देंगे। अभी यूके ने अलाउ नहीं किया ना इंडियन फ्लाइट को, मैंने पहले भी बताया था 60 कंट्रीज़ के लिए फ्लाइट स्टार्ट करी है उन्होंने, इंडिया का उसमें नाम नहीं है। इंडिया में कोरोना बढ़ रहा है तो भाई कौन कंट्री ये चाहेगी कि हमारे यहाँ वहाँ से एक मरीज बन के यहाँ आ जाए, हमारे हमारे सिस्टम को ख़राब कर दें। तो आज हम बात करेंगे भाई इंडिया और दुबई से रिलेटेड, हम बात करेंगे, कॉम्प्रोमाइजन हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है फ्लाइट से रिलेटेड। इंडिया से लगभग 9800 के करीब आप फ्लाइटें मान सकते हैं, एयर इंडिया वगैरह, ये फ्लाइटें इंडिया से दुबई के लिए जाएंगी। जी हाँ साथियों, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो लगभग 18-20 हज़ार इंडियन वर्कर रेजिडेंशियल हैं, जो दुबई में हैं रहते थे लेकिन इंडिया में फंस चुके हैं, उन लोगों के लिए 20,000 लोगों के लिए लगभग 100 फ्लाइटों का शेड्यूल बनाया गया है, जो 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक 15-16 दिन का शेड्यूल है। ये फ्लाइटें इंडिया से दुबई पहुंचेंगी। जी हां साथियों, और फ्लाइटों का लिस्ट तो भाई आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं स्क्रीन पे भी, बाकी आप अपने स्तर पे जो जाने वाले हैं वो ट्राई कर ही लेंगे, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेन चीज़ है COVID-19, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आपके पास होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट यही है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होते ही हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है। तो भाई देखिए, बता दिया मैंने, लेकिन इनके साथ एक इंडियन गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए था कि इंडिया दुबई ने 7 जुलाई से वीज़ा स्टार्ट कर दिए, तो यार उनके साथ में इनको भी ले जाते बेचारों को, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 फ्लाइटें और एक्स्ट्रा चला देते, कौन सी नुकसान हो जाता। भाई दुबई ने तो स्टार्ट कर दिया, दुबई में सब फ्लाइटें जा रही हैं, और इंडिया दुबई में को मना भी नहीं किया कि भाई इंडियन वर्कर नहीं आ सकते, इंडियन लोग नहीं आ सकते, तो इनके साथ में ये भी फिर फ्लाइटें स्टार्ट करी हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, और हो सकता है गवर्नमेंट कर दे। भाई आपका ख्याल रखना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है, तो कुछ ना कुछ समाधान होगा। और उधर से भी भैया बहुत फ्लाइट हैं दुबई से इंडिया के लिए, मर्जी कितना भर भर के फ्लाइट हैं ये बोल सकते हैं आप। तो भाई आराम से आप आ जाओ भैया, इंडिया वेलकम है आपकी, इंडिया में कोरोना तैयार है, यहाँ पे विस्फोट बम बढ़ता जा रहा है भयंकर तरीके से। 25,000 एक दिन में बढ़ने का मतलब क्या होता है, चौथे दिन 1 लाख बनता है, तो क्या 15 लाख नहीं होगा। मैंने जो भविष्यवाणी आपसे 1 महीने पहले करी थी, वो उससे भी मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा मैटर। तो मेन टॉपिक यही बताने वाला था भाई, 100 के करीब फ्लाइटें इंडिया से 12 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में दुबई पहुंचेंगी, यूएई पहुंचेगी, उसमें जो 18-20 इंडियन वर्कर हैं, रेजिडेंशियल वर्कर हैं, जो वीज़ाज हैं वो भैया आपके लिए बेस्ट है। टिकट बुक करवाओ, अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कम्प्लीट करो और दुबई पहुँचो अपने अपने काम के लिए, क्योंकि उन बेचारों को वो बैठे इंडिया में, खर्चा उनका वहाँ लग रहा है, रेंट का खर्चा भी लग रहा है, जो वहाँ ताले लगा के चाबी घर पर लेके आ गए थे इंडिया में, पैसा उनका उधर भी लग रहा है, तो लॉस तो हो रहा है ना, जॉब भी अभी तो दुबई में स्टार्ट हो चुका है सब कुछ। तो बस यही जानकारी देनी थी साथियों, 2-3 दिन से 4 दिन से मैं बिजी था, इसलिए आपने देखा होगा मैंने वीडियो पहले ही जो शूट किए थे वही डाले थे, नया वीडियो मैंने कोई डाला नहीं, कोई न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, और ये मैं 4 दिन बिजी था, ये समझ लीजिए आपके लिए बिजी था, वो आने वाले टाइम पे मैं खुलासा करूँगा, बहुत बड़ा ये मान लीजिए हमने तीर मार लिया, वो आगे बताएंगे हम, ठीक है साथियों। बस जानकारी ये देनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।